कल से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, गोविंद देव जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर हम इस कैंपेन को कल शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने करीबन 80 लड़कों की एक टीम बनाई है जो घर घर जाके इन राखियों का वितरण करेंगे। संदेश इसके अंदर है और प्रयास हमारा ये है कि हर महिला से हम जुड़ पाएँ, उनको सुरक्षा का जो एक वादा और एक हम लोगों के दिमाग के अंदर एक सोच है कि कोई महिला अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, जो हम उनके लिए कर सकते हैं हर यथासंभव मदद वो करने के लिए उनका एक फ़ोन आते ही हम सब लोग पूरी टीम के साथ मदद के लिए उनके तैयार रहेंगे। देख, समाज में मैसेज जा रहा है कि भाई महिला का रूप माँ और बहन का होता है और वो अपने आप को, जैसे भी गिरीश जी भाई ने कहा, अपने आप को असुरक्षित ना समझे और समाज के ऐसे लोग हैं जिनके लिए कभी भी किसी भी तकलीफ में वो कॉन्टेक्ट करें और वो उनके लिए आ गए। और इसके साथ साथ एक मैसेज और यहाँ से जा रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है गिरीश जी, हम लोग हमेशा है ना सभी धर्म के सभी भाईचारे के लेकर के एक मैसेज देते हैं। आज इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके बिठाया, ये भी एक संदेश दिया है कि हम इस राखी के त्यौहार को भी सब मिलजुल के बांटें। मैं मुस्लिम हूँ, इन्होंने चला करके मुझे यहाँ बुलाया बिठाया कि एक मैसेज ये भी जाए कि हमारे लिए सब त्यौहार सामान्य है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम मिलकर के उसको बांटें और हम जितना भी ये मैसेज हमारी माँ बहनों तक ही राखी जाएगी, ये गिरीश पारिख जी के लिए नहीं, एक हिंदू की तरफ से नहीं, मुसलमान की तरफ से भी जाएगी। ये भी एक संदेश है, हम दोनों की भाइयों की तरफ से ये राखी है। इसमें दो शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा, महारानी कर्णावती जी ने मुसीबत के समय बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, वो अपना दल बल सेना के साथ वहाँ पहुँचे थे और उनकी रक्षा करी थी। इस रक्षा सूत्र का, इस रक्षाबंधन त्यौहार का ये महत्व है, सभी वर्ग, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए है ये। एक भाई किसी भी बहन की रक्षा कर सकता है, इसके अंदर धर्म, जाति, बिरादरी, इन सब का कोई स्थान नहीं है। हमारा इतिहास इस चीज़ की हमें सीख देता है।